के प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह रुपिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क पुणे। सिरमौर के विंध्य जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज सिंह की गाड़ी में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, उनकी प्रचार गाड़ी का बैनर फाड़ दिया, उनके ड्राइवर और क्लीनर के साथ मारपीट की जब वो एक प्रचार कार्यक्रम में गए हुए थे गाड़ी लेकर। उसी दौरान कुछ लोग वहां पर आ गए, बीच बचाव किया। पूरे मामले को लेकर हमने मनोज सिंह से बात की, उनका साफ तौर से कहना था, चुनाव में तो ये सब चलता है लेकिन इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। आपसी विरोध अलग बात है, किसी के साथ मारपीट अलग बात है। सुनिए मनोज सिंह ने क्या कुछ कहा, साथ ही जिसके साथ मारपीट हुई उससे भी हमने बात की, उनका क्या कुछ कहना था, आपको मैं पूरी बात दिखाता हूँ। मैं प्रत्याशी का रहे थे, दो लोग आए, नाना का बोली तुम्हारे नाना है, बोले कि नाना है क्या हम तुम्हारे, तो हम लोग बोले नाना थोड़ी कोई है, और इतने में तब तक में मार पीट ही मचा दिए, तो फिर हम लोग को वहाँ से भागना पड़ा। भाई तुमको पता कैसे चला कि मतलब ये पोस्टर फाड़ दिए क्या हुआ? पीछे से कुछ लोग दौड़ रहे थे तो हम देखे कि तब तक में गाड़ी आगे खड़ा ही कर दिए, देखे कि पोस्टर फटा हुआ है, आगे पोस्टर चिपका रहे थे गाड़ी से उतर के, तो फिर इन्होंने गाड़ी की तरफ आए तो फिर उनको भगा बैठाए और फिर भागते निकले। फिर दादा को फ़ोन किए, जैसा नहीं ऐसा फ़ोन में बताए सबको जो जैसा था, कि क्या करें, जान बचा के भागना पड़ा वहाँ से, और मार पड़ गया। तो क्या लग रहा था कि बिल्कुल मारने पर आमादा थे कि बिल्कुल तोड़ फोड़ देंगे? हाँ बस ऐसे ही लग रहा है कि तोड़ फोड़ देंगे, अगर नहीं भागते तो तोड़ ही देते। आगे जलाओ ढक्कन, ढक्कन खोल लिए पूरा, ये गाड़ी का ढक्कन, गाड़ी का ढक्कन खोल दिए, डिस्पोजल लगा के रखते हैं, अभी लगाएंगे, ड्राइवर था इसका फ़ोन है, तो मेरे पास तो किसी का नंबर था नहीं, तो हम सोचे किसी अननोन नंबर जल्दी उठा लेता हूँ कि किसी मतदाता का ना हो, चुनाव लड़ रहे हैं तो हो सकता है नोन नंबर ना उठाएं, लेकिन अननोन जरूर उठा रहा हूँ इस समय में। तो का फ़ोन है, हम कहना हाँ हेलो भैया बोलो, तो कौन बोल रहे हो? तो इनने बताया कि मैं छोटा हाथी का ड्राइवर बोल रहा हूँ, और हम बच्चे यहाँ प्रचार करत रहे हैं, और गाड़ी आगे चल रही थी 10-12 की स्पीड में चल रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि मैंने इन लोगों को बोला था कि तेज नहीं भगना है, आराम आराम से चलना है, और ये लोगों को पर्चा वो बांट रहा था पर्चा, और जो ये वोटिंग का चुनाव चिन्ह है वो पर्चा लेके जा रहे थे कि भैया 8वें नंबर पे गन्ना किसान में वोट देना है, तो वो आगे चला गया बांटते हुए पर्चा, या कि शायद पीछे रह गया, इतना मुझे नहीं मालूम। तो किसी ने पोस्टर फाड़ा तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, भैया किसने फाड़ दिया? तो बोलते हैं उससे कि तुम्हारे नाना हैं क्या ये? तो हमें यही कहना है कि मतलब इस तरह का कृत्य कौन कर रहा है ना, हमने इनसे पूछा कि कुछ कैसे पता चला, बोले नहीं पता चला, 6-7 लोग थे, कुछ मोटरसाइकिल में भी थे कहना चाहिए, और कुछ पैदल थे, तो फिर जब ये बांटा तो इसको दौड़ा के इससे पर्चा और छीन के फाड़ फूड़ दिए, और उसका काल और पकड़ा, आपने देखा उसको पूरा कंधे में नाखून दिख रहा होगा अगर आपने देखा होगा, तो इस तरह का कृत्य क्यों कर रहे हैं? मुझे कौन लोग हैं ये जो हमें इसके बारे में जब मालूम ही नहीं, तो हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, है ना। हमको ऐसा लगता है कि किसी पार्टी के अति उत्साही कार्यकर्ता जो हैं, जैसे दिव्यराज की सभा में एक अति उत्साही कार्यकर्ता ने ब्राह्मणों को गलत शब्दों से बात किया, तो मेरा ये सोचना था कि पहले जब अगर पार्टी का नेता बैठा हुआ है तो कोई कार्यकर्ता को बोलने का इस तरह अच्छी बात नहीं है, उनका कार्यकर्ताओं में शायद कंट्रोल नहीं है, और बाकी मुझे मालूम है कि उनने मन से और दिल से ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, हमारे राजा हैं, उनकी प्रजा हैं, तो प्रजा के बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा, और हमें इस घटना का किसने अंजाम दिया इसको हमें बिल्कुल जानकारी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रत्याशी ने नहीं दिया होगा, किसी ने ऐसा कोई हमें प्लानिंग, क्या आपने इसमें पुलिस को शिकायत की है? नहीं भैया, क्या है कि सब अपने हैं और जनता से लोग अपने लड़के बच्चे के बीच में है, ठीक है भ्रमित कर दिया होगा,
कोई बड़ी बात नहीं है कहना चाहिए, हम चुनाव के बाद उस गाँव में जाएंगे और हम पूछेंगे भाई ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा परिवार जो है न इस तरह की चीज़ों में कभी रहा है और न मैं कभी रहा हूँ और पता नहीं कैसे क्या हुआ। हम जब जानकारी नहीं तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता और आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस स्थिति की मैं घोर निंदा करता हूँ। ठीक ठीक, इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारे ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।